दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको गेहूं की जो खेती इस तरह दिखती है, वो आपने जो पीछे जो देखा वो ज्वारी थी और ये है गेहूं। यहाँ ये देखिए ये बछड़ा हमारा आवाज कर रहा है, ये देख सकते हो झोपड़ी किस तरह बनाई गई है। ये अभी के वक्त कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है, मगर ये हमारे गाँव में अभी भी है। ये देखिए लकड़ियों की मदद से जो है ये पूरा बनाया गया है, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक गजब की चीज बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये है बावड़ी। देख सकते हैं गाइस, अभी जो हमारे रमजान भाई इसके अंदर से पानी निकाल रहे हैं फुल देसी स्टाइल में। ये देखिए गाइस निकल रहा है पानी, ये देखिए देसी स्टाइल में पूरा। ये है देसी जुगाड़, कोई बिना मोटर के बिना लाइट के इन्होंने पानी ऊपर लेके आया, खाली सिर्फ यहाँ पे हमारा बिछोना लग रहा है। ये देखिए हम, ये हमारे साथी है सब। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के देसी ब्लॉग में। मैं खड़ा हूँ अपने गांव टागड़ी में जो उस्मानाबाद जिले में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एकदम खूबसूरत नज़ारा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा सुकून है, ऐसा सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। ये देख रहे हो यहाँ पे भैंसे हैं, ये भैंसे का बछड़ा है, और ये देखिए हमारा ये बेर का झाड़ है। आपको दिखाता हूँ कितने बेर गिरे हुए यहाँ पे। ये देखिए ये बछड़ा हमारा आवाज़ कर रहा है, ये देखिए हमारे ब्लॉगर मोहसिन भाई जो बेर खा रहे हैं। ये देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं बेर, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ज़्यादा इसको बेर भी लगे हैं। तो ये भाई अभी ऊपर के बताते हैं, देखिए ये देखिए इतने सारे बेर लगे हैं आप देख सकते हो। और ये देखिए जो हवाएं जो छू के जा रही है गालों को, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ज्वार की खेती है और उसके पीछे गेहूं की खेती है जिसकी आप रोटियां बनाकर खाते हो। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है ये चना है, यह अभी बहुत छोटा है, इसको 15-20 दिन के बाद इसमें चने लगने शुरू हो जाएंगे, ये पौधा बड़ा हो जाएगा काफ़ी, ये देख सकते हो आप। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इस नज़ारे का आप लुत्फ उठाइए। हमारे दो भैंस भी हैं यहाँ पर, सही भाई यहाँ पे भैंसे हैं, भैंसे बांधी हुई है, उस पर दो बछड़े हैं दोनों भैंसों के। वहाँ पे देख सकते हो बैल है, खिल्लार बैल, खिल्लारी बैल बोला जाता है इसको, काफ़ी मजबूत होते हैं ये। ये देख सकते हो ये हमारे सोने का इंतज़ाम किया जा रहा है, अभी यहाँ पे हम बिछौना लगा के मस्त झाड़ की छाँव में सोएंगे, ये बैर की झाड़ की छाँव, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है झाड़ के नीचे। वहाँ पे देख सकते हो आम का झाड़ लगा हुआ है हमने, पपैया भी है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप पपैया का झाड़। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, हम लोग शहर में रहते हैं, शहर से कभी कभार महीने में एक आध बार यहाँ पे आके हम, हमारी जो छुट्टी होती है संडे के दिन, बाकी दिन हम काम करते हैं, हमारा बिजनेस है, तो एक दिन जो छुट्टी का मिलता है यहाँ पे हम बिताते हैं आके। ये देख सकते हैं ये मोहसिन भाई। हाय गाइस कैसे आप लोग, ये तो लग रहा है आपको व्लॉग, आज का व्लॉग जो है हमारे तैयब भाई स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ये जो मोहसिन भाई है यहाँ पे अक्सर रहते हैं, बट ये नज़ारा आपको उन्होंने कभी नहीं बताया, वही इनका गांव है, ये गांव में ही रहते हैं हमेशा, ये कभी नहीं बताते, इसलिए मैंने आज उनको बोला है कि ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आपके जो व्यूवर्स हैं उनको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा किस तरह ये गाँव होता है और कैसा सुकून होता है। दोस्तों यहाँ पे कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं है, ना ही कोई शोर है, ना ही कोई इंडस्ट्री का शोर है, बहुत ही ताज़ी हवा, खुली हवा है। यहाँ देखिए हमने, यहाँ पे हमारा बिछोना लग रहा है, ये देखिए हम, ये हमारे साथी है सब पेड़ के नीचे, ये देख सकते हो ये पेड़ की छांव के नीचे बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा घना है ये पेड़। आप जहाँ तक देखोगे सारे खेती खेत है यहाँ पे, अभी हमारी बिल्ली भी है। तो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, ये देखिए ये जो है ज्वार की खेती है, और अभी जो तैयब भाई और पूरे जो टीम मेंबर हैं ये अभी जो है हमारे जो चना होता है वो चना निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग वो खाने के लिए। ये देखिए ये ज्वार की खेती है पूरी, और तैयब भाई भी देखिए खूब ज़्यादा मज़े ले रहे हैं शहर से आकर। ये देख सकते हो काफ़ी हरी भरी ज्वारी है,
कितने टाइम तक बन जाएगी ये पूरी आ जाएगी जवारी? 2 महीने लगेगा। और 2 महीने लगेंगे ये पूरे इसमें जो है जवारी लगना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो ये गेहूँ है, अब जो गेहूँ की रोटियाँ खाते हो इस तरह इसका पौधा दिखता है, ये देख सकते हो। वो जो साइड है अभी वहाँ पर देख सकते हैं गाइस, वहाँ पर अभी गेहूँ की खेती है, वो भी बताता हूँ अभी। तो तैयब भाई अभी कहाँ पर जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं जो मैंने आपके चने के जो छोटे पौधे दिखाए, जो खेती दिखाए, वहाँ पे जो है बहुत पहले चना लगाया हुआ था वो खेत में, वहाँ पे चने आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ कि किस तरह चना दिखता है, हम उसको तोड़ेंगे और खाएंगे भी। दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको गेहूँ की जो खेती इस तरह दिखती है, वो आपने जो पीछे जो देखा वो जवारी थी और ये है गेहूँ। यहाँ पे जूम करके बताइए जरा, इस गेहूँ इसमें लगने वाली है, देखिए अभी थोड़ी कच्ची है, अभी आ रही है गेहूँ, एक महीने के अंदर पूरी गेहूँ लग जाएगी इसके अंदर। ये देख सकते हो इतना बड़ा खेत गेहूँ का है। मैं आगे दिखाता हूँ, आगे भी अलग अलग हमने झाड़ लगा के रखे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है जानवरों के लिए बनाया गया एक घर है, जो पत्तों से बनाया हुआ है, लकड़ी से बनाया है। उसके बाद देख सकते हो कद्दू की जो आप लौकी जिसको बोलते हो, लौकी की ये जो बेल लगी हुई है, देखिए देख सकते हो यहाँ पे एक लौकी भी लगी हुई है जिसको यहाँ पे हम कद्दू बोलते हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा आ रहा है अभी, ये भी काफ़ी एक 15-20 दिन में पूरा बड़ा हो जाएगा, एक महीने के अंदर तकरीबन। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे जो है जानवरों के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये देख सकते हो ये गाय का बछड़ा है, वहाँ पे भी एक है, ये 2 बछड़े यहाँ पर हैं, इसका यहाँ पे पालन पोषण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको एक गजब की चीज़ बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये है बावड़ी। यहाँ पे जो है खेत में पानी यहाँ से लिया जाता है और हम लोग इसमें तैरते भी है, तैराकी भी करते हैं यहाँ के गांव के लोग आके। अभी इसमें पानी कम है, बारिश के दिनों में ये ऊपर तक पूरा पानी भर जाता है, ये देखिए पानी निकला हुआ है और इतना पानी है, देखिए यहाँ पे सब हरियाली इसी की वजह से जमी हुई है, सारे झाड़ इसी की वजह से लगे हुए हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये देख सकते हो झोपड़ी किस तरह बनाई गई है, ये अभी के वक्त कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है, मगर ये हमारे गांव में अभी भी है। ये देखिए लकड़ियों के मदद से जो है ये पूरा बनाया गया है, देख सकते हो आप। और ये काफ़ी ठंडा होता है, ये जो है नेचुरली बनाया गया, अंदर से बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में भी ठंडा लगेगा और बारिश की सर्दियों के दिनों में ये गर्म हो जाता है, इसके ये फ़ायदे हैं। दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये देख सकते हो ये जो है, देखिए चना है यहाँ पे लग चुका है, ये देख सकते हो आप, मैं इसको खाऊंगा, ये देखिए काफ़ी मज़ेदार लग रहा है ये। आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सब जगह चना ही लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा चना आ चुका है, देखिए देख सकते हो आप। इसको मस्त नमक लगा के उबाल के खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसकी दाल बनती है, इसका बेसन बनता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, इसके आप पकौड़े बनाते हो बेसन के, इस तरह इसके देखिए पौधे दिखते हैं। और ये देखिए गाइस ये जो पाइप है इससे पानी दिया जाता है इसको, अभी तो देखिए ये पूरा आ चुका है खाने के लिए, तो अभी पानी इसको बंद कर दिया है देने के लिए। देखिए कुछ इस तरह से जो है दिखता है, ये देखिए ये देखिए 3 महीना। ये देखिए गाइस अभी हम जो है ये खाने के लिए निकाल रहे हैं, जहाँ पे हमने भी बिछौना बिछाया था हमारा वहाँ पे लेके जाएंगे इसको, मस्त धो कर इसको खाएंगे मज़े ले लेकर। और देखिए गाइस कितने ज़्यादा हम ये निकाल रहे हैं, ये हमारे रमजान भाई हैं जो अभी तैयब भाई और सब लोगों के लिए निकाल रहे हैं, ये देखिए ढूंढ ढूंढ कर अच्छे अच्छे। ये देख सकते हैं गाइस अभी जो हमारा रमजान भाई इसके अंदर से पानी निकाल रहे हैं फुल देसी स्टाइल में, ये देखिए गाइस अभी इसके अंदर से पानी आएगा, ये देखिए आवाज़ आ रही है गाइस, ये देखिए गाइस निकल रहा है पानी, ये देखिए देसी स्टाइल में पूरा। और अभी रमजान भाई और हमारे तैयब भाई जो है इसके अंदर से पानी पी रहे हैं, क्योंकि हमें जो इन्होंने जो है अभी चना खाया था तो पानी पी रहे हैं यहाँ पर। कैसे निकाला आपने, फूकने के बाद पानी कैसे आ गया ऊपर? ये है देसी जुगाड़, कोई बिना मोटर के बिना लाइट के इन्होंने पानी ऊपर लेके आया, खाली सिर्फ फूक मार के। ये देख सकते हैं गाइस फिर से और एक बार, देखिए गाइस अभी पानी निकलेगा यहाँ से, आप देखना आप ऑटोमेटिकली पानी ऊपर आएगा, यहाँ दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए ये भाप आ रही है ऊपर, ये देखिए अभी पानी अपने ऊपर आएगा, ये देखो
और ये पानी पी रहे हैं गाइस, ये देखिए। और इसके बाद मैं भी पानी पीता हूँ गाइस। दोस्तों अभी ये जो है हमारे भाई यही खेत में ही रहते हैं, ये सारी खेती ये अकेले ही करते हैं। तो इनसे एक बार पूछना है मुझे, ये जो खेती करने वाले हैं, जो खेतकड़ी फार्मर्स हैं, उन लोग कितना कमाते हैं, इनको फायदा होता है कि नुकसान होता है खेती के अंदर, ये बताओ हमको, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। फायदा तो है थोड़ा बहुत, और अगर फसल खराब हो गई तो नुकसान हो जाता है ना। नुकसान हो जाता है। रमजान भाई ये जो भैंस आपने दो पाली हुई है, ये कितना, ये एक भैंस दिन में कितना लीटर दूध देती है? दिन में एक लीटर होता है, सुबह में तीन शाम में तीन, सुबह में तीन लीटर और शाम में तीन लीटर। एक भैंस छः लीटर दूध देती है, और वो भी छः लीटर दूध दे रही है, मतलब डेली का 12 लीटर दूध आप जो बेचते हो या घर में इस्तेमाल हो जाता है? थोड़ा बहुत बेचते हैं और घर में थोड़ा बहुत रखते हैं। मतलब 1 से 2 लीटर घर में इस्तेमाल होता है, बाकी का बाहर जाता है? बाहर जाता है। कहाँ जाता है? शहर में? डेयरी को। डेयरी को जाता है इनका दूध। तो गाइज आपने अभी जो भैंसे देखी है उनके खाने के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर इतना सारा जो है ये पूरा चारा रखा हुआ है उनका। देखिए इस तरह से बांध बांध कर पूली इस तरह से रखा जाता है, ये देखिए। और अभी मैं आपको जो है गन्ने की खेती बताता हूँ। जो चीनी बनती है तो ये इसी से बनी जाती है चीनी, ये देखिए। यहाँ पर अभी पानी है तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से रहता है। देखिए गन्ने की खेती है पूरा नीचे से ऊपर तक, ये देखिए इतना बड़ा रहता है ये गन्ना, ये देखिए। और बहुत ही ज़्यादा बड़ी खेती है, बहुत 2-3 एकड़ में ये पूरा जो है खेती लगी हुई है गन्ने की, ये देखिए गाइस। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज के इस ब्लॉग में हमने जो है आपको खेती बताई है, और तैयब भाई जो है ये शहर से आए थे खेती के अंदर, तैयब भाई ने ही आज का ज़्यादातर ब्लॉग बनाया है। तो आज का ये ब्लॉग तैयब भाई ने जो बनाया है आपको कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताना, और आज की इस वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो ये ज़रूर कमेंट करना कि शहर की लाइफ अच्छी है या गांव की लाइफ अच्छी है, कहाँ ज़्यादा सुकून है ये बताना। और दोस्तों अगर सबको ही पता है कि शहर में पैसा होता है, नौकरियाँ होती है, मगर सुकून नहीं होता, आदमी जो है दिन भर काम पर जाता है, थक हार के जब घर पे भी आता है तो उसको सुकून नहीं मिलता। बट यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ के लोग काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, ये सुबह जल्दी उठकर सुबह में काम पर लग जाते हैं, और दिन ढलते ही ये खाना खाकर ये सो जाते हैं। इनके लिए इनकी जो लाइफ होती है बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आज का व्लॉग, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो गाइज आज का ये व्लॉग आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, बाय।